बिहार में एक बार फिर बाढ़ का हाहाकार जो है वो मच चुका है। देखिए, कोसी बराज से 56 फाटक खोले गए थे, जिसके बाद जो है उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या एक बार फिर उत्पन्न हो चुकी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये मुख्य सड़क की तस्वीर है जो पानी से लबालब हो चुका है। लोगों के कमर तक जो पानी है वो पहुंच चुका है, लोगों के घरों के अंदर पानी है वो पहुंच चुका है। देखिए, ये इलाका जो है वो कैदली इलाका है, नवहट्टा प्रखंड क्षेत्र में ये इलाका आता है और यहाँ के लोग काफ़ी परेशान है और यहाँ के जो लोग हैं वो अपना आशियाना छोड़कर ऊंचे स्थान पर जाने को विवश है। हालांकि प्रशासन के तरफ से भी जो कार्रवाई है वो की जा रही है, लोगों को बाहर निकालने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है और कवायद तेज़ है। देखिए, यहाँ पर तमाम स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या माहौल है और किस तरह से ये लोग अभी रह रहे हैं। देखिए, जो तस्वीर देखने को मिल रहा है वो काफ़ी भयावह तस्वीर है। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला। भैया, क्या नाम हुआ आपका? जटाशंकर कुमार मेरा नाम है। ये बताइए, क्या स्थिति है यहाँ की अभी? बहुत ही भयावह स्थिति है, लोग बहुत परेशान है, काफ़ी परेशान है। माल मवेशी को भी कोई नया प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, लोग त्राहिमान है यहाँ। तो इस इलाके में अभी तक प्रशासन की टीम वगैरह से कोई नहीं, सिर्फ जो है दो चार पांच गो गाड़ी आती है, रोड पे रहती है और चले जाती है। यहाँ बस यहाँ के लोग साफ परेशान है, कोई किसी के लिए कोई सुविधा नहीं है, सो लोग त्राहिमान है, त्राहिमान है। अंदर के लोगों को बहुत ही दिक्कत महसूस हो रहा है, कब बांध का स्थिति टूट जाएगा और अंदर से बाहर के भी लोगों को दिक्कत होने की संभावना है, जिसमें बड़ी ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पर और भी लोग हैं, आप पानी में यहाँ पर देख रहे हैं मुख्य सड़क पे, आप यहाँ पानी में पैर गड़ाके क्या कहेंगे? बाट है मुन पानी और हाँ। क्या कहेंगे, ये तो मुख्य सड़क है ना ये? हाँ, तो इससे आगे ज्यादा पानी है। इससे पहले ये स्थिति बनी थी? न, कभी भी जीवन में भी नहीं। इतना उम्र हम लोग को हो गया, 84 के बाद पहले फर्स्ट ही बार देख ये स्थिति देख रहे हैं। हाँ, 84 के बाद ही देख रहे हैं। तो क्या प्रशासन की टीम यहाँ पर, सरकार की तरफ से कोई मदद यहाँ पर पहुंची? अभी कोई मदद नहीं आया यहाँ, अभी तक कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। तो कैसे आप लोग रह रहे हैं? घर पे, घर में पानी जा चुका है? पानी है, इसी तरह रह रहे और कैसे रहेंगे, बाल बच्चा जो है वो जगह पे है। अच्छा, बाहर निकाले बाल बच्चा? भितरिए में, मचान पे है, मचान पे बैठे। हाँ, क्या नाम है आपका? विनोद शाह। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम अनिल कुमार यादव हुआ। क्या स्थिति है अभी यहाँ की? स्थिति तो बताने लायक नहीं है भैया, अपना बाल बच्चे को छप्पर के ऊपर रख के आए हैं, हाथ हथेली संग करके देखते हैं, अपना जान बचाए के बच्चा को छप्पर के ऊपर रख के तब चले हैं, अपना रास्ता खोज रहे हैं। आज जो है भर दिन से सुबह से अभी तक खाना नहीं खाए हैं, कोई खाना का प्रबंध नहीं है यहाँ पर, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सुबह से भैया कुछ भी नहीं खाए पिए हैं। अच्छा, तक में देखिए रोड तोड़ सब जगमगन हो चुका है, कोई ऐसा घर नहीं बाकी है जिसमें घर में पानी नहीं घुसा हो, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं भैया। तो ये माहौल आप पिछले बार कब देखे थे? ये तो लाइफ में कभी नहीं देखे थे, सरकार कान में तेल लेके सो रहा, हम लोग जग रहे। 2008 में जो ये बाढ़ आई थी उसके बाद क्या लग रहा है आप लोगों को? भैया ऐसा भयानक स्थिति कभी नहीं देखे थे, काफी भयानक भयानक है और बांध टूटने का भी आशंका है, जो ये टूटेगा तो टूटेगा, यही टूटने वाला होगा और कोई नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार यादव हुआ। देखिए, यहाँ पर तमाम आपको लोग दिख रहे होंगे, तमाम लोगों की भीड़ आपको दिख रही होगी, तमाम लोग परेशान है। जो लोगों का ये भी कहना है कि घर छोड़कर बाहर निकल गए हैं, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, जो लोग हैं वो उन्हें घर से बाहर निकाला जा रहा है। देखिए ये तस्वीर देखिए, दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो पानी ही पानी आपको नज़र आएगा, घर के अंदर से लेकर सड़क मुख्य सड़क तक जो है पानी जो है वो लबालब हो चुका है। यहाँ तक कि मवेशियों को भी जो बाहर है वो निकाला जा रहा है, हालांकि कई मवेशी जो है वो घर के अंदर भी फंसा हुआ है, ऐसी जो खबरें हैं वो भी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान है, साथ ही साथ
यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिली है, सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद फिलहाल अब तक जो है वो नहीं पहुँची है। बाढ़ को लेकर लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे। ये तस्वीर सहरसा ज़िले के नवट्टा प्रखंड के केदरी पंचायत इलाके से निकलकर सामने आई है।